अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोस पहले बताया था कि सीज़न के लिए जो है मैं सेटअप शिफ्ट करने लगा हूँ, मुझे नई जगह पे सेटअप मैंने शिफ्ट करना है। तो बर्ड को ना वन बाय वन लगाना है, यानी कि पेयर जब हम ब्रीड लेनी हो ना केजीज में, तो हमें बर्ड को वन बाय वन लगाना पड़ता है। हम इकट्ठे ब्रीड नहीं ले सकते उन्हें एक ही केज में, मतलब ये नहीं हो सकता कि हमने दो तीन पेयर छोड़े हों, तो इस तरह ब्रीड नहीं हो सकती। अगर हमने इस तरह ब्रीड लेनी हो तो बर्ड को ओपन एयर में छोड़ना पड़ता है, यानी कि खुली जगह हो जहाँ पे जाली वगैरह लगी हो और काफ़ी खुला माहौल हो, वहाँ पर हम बर्ड को छोड़ सकते हैं ज़्यादा पेयर, तो वहाँ पर वो ब्रीड कर जाते हैं। लेकिन जब हम केजीज में छोड़ते हैं तो केजीज में वन बाय वन उन्हें लगाना पड़ता है, तो इस वजह से ज़्यादा केजेस की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको बताया था कि केजेस कुछ दिन में आ जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह केजेस आ चुके हैं मेरे बैकग्राउंड में, आप देख सकते हैं। चलें अब बाकी मैं नेक्स्ट आपको केजेस का दिखाता हूँ। तो ये दो केजेस हैं, ठीक है, तो एक ये ऊपर पड़ा है और एक ये नीचे, और दोनों सेम ही हैं। दरमियान में एक ही पार्टीशन है, दोनों में एक एक पार्टीशन है और हर चीज़ सेम ही है। तो ये एक इनो का मेल है जो अभी टेम्परेली इसमें छोड़ा था, और साथ में दो माशाल्लाह लटीनो पर्सनाटा का है पेयर, एक बड़ा अच्छा, और कलर माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं इसके। मैं ये देखें माशाल्लाह फिनिशिंग कितनी अच्छी है इनकी। और ये माशाल्लाह ये जो इनो का मेल है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मेल है, और विस्लिंग बहुत प्यारी करता है ये, और क्राउन भी इसका देखें ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। तो केजीज़ का ये हिसाब किताब है कि केजीज़ की लेंथ तकरीबन 4 फीट के करीब लेंथ है, 4 फीट से ज़्यादा ही है, और जो इनकी चौड़ाई है पीछे की जानिब वो 2 फीट है, और जो इनकी हाइट है ऊपर से नीचे की जानिब भी तकरीबन 2.3 फीट है। और ये केज ना बेस्ट रहता है रिंग नेक के लिए, अगर हमने रिंग नेक को वन बाय वन लगाना हो ना। और ये मैं आपको इनका पोर्शन दिखाता हूँ, तो ये पोर्शन इधर है बॉक्स लगाने के लिए, तो एक साइड की जाली कटी हुई है इस वजह से मैंने इसको फिक्स किया हुआ है। अभी यहाँ पे लग जाएगा बॉक्स, और सेकंड जो साइड है उसका उसकी बॉक्स लगाने की जगह यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी जाली है, जाली काटने वाली है। तो जाली इधर इस वजह से है कि बेसिक ये जो केज होते हैं ना, ये कुछ लोग खरीदते हैं जो भी उनका, जैसे मैंने ये तीनों पर्सनाटा आपको दिखाया है, तो इनके जो बच्चे होते हैं ना जो नया क्लच आता है उनको पूरी फ्लाई देने के लिए, ताकि हेल्दी रहें वो, और ये है कि बर्ड वीक ना हो, पूरी फ्लाई ले, तो इस वजह से ना वो ये केज यूज़ करते हैं। इसलिए ये केज ना इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपने ब्रीड लेनी है तो ये केज रिंग नेक की ब्रीड के लिए बहुत अच्छा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और ये है कि दरमियान में, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले केज में तो पार्टीशन मैंने सेपरेट की हुई है, लेकिन ये इसकी पार्टीशन है, तो ये पार्टीशन हो के दो बन जाएंगे, और ये है कि इनमें वन बाय वन लग जाएगा। और ये जो ऊपर वाला केज है, ये अगर आपने रा की ब्रीड लेनी है ना, तो ये पूरा केज है, आपको एक पेयर की ब्रीड के लिए आपको पूरा केज देना पड़ेगा, क्योंकि रा जो है ना वो बड़ा परिंदा है और उसको फ्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, तो इस वजह से ना उसको आपको एक पूरा केज देना पड़ेगा। तो बाकी आप ये ना हुक्स भी देख रहे हो, अगर आपने लव बर्ड की ब्रीड लेनी है इन केजेस में ना, तो ये बर्ड के लिए ना कलोनी केज की टाइप होते हैं, कलोनी केज इन्हें कहते हैं, और आप इनमें ना पूरी कलोनी छोड़ सकते हैं उनकी लव बर्ड की, ठीक है। इसमें 2, 4 और 8 स्पॉट बने हुए हैं। अगर आप ब्रीड लेते हैं ना अपने लव बर्ड की या ऑस्ट्रेलियन वगैरह की, ऑस्ट्रेलियन क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन में, तो उसमें वो ब्रीड कर जाते हैं, तो ये वो मिट्टी का बर्तन हैंग करने के लिए होते हैं, और आप इजीली इधर हैंग कर सकते हैं, ठीक है। आप कलोनी में छोड़ के उनकी ब्रीड ले सकते हैं, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है इसका अगर उनकी ब्रीड इसमें लेनी हो। लेकिन रिंग नेक और रा का, जैसे मैंने आपको बताया है कि रिंग नेक अगर लगाना है तो ये दो पोर्शन है, इसमें दो पेयर लग सकते हैं, एक इधर और एक इधर। लेकिन अगर आपने रा की ब्रीड लेनी है तो रा के लिए ये एक केज पूरा लगेगा। इन केजेस की मैं आपको अगर एक और चीज़ दिखाऊं तो वो ये है, ये देखें ये लोहे के ना टुकड़े लगे हुए हैं नीचे, इसके वेल्ड करवाए हैं, और इनमें ये आप सुराख भी देख सकते होंगे। मैं आपको बताता हूँ इनका मकसद आपको क्या है। तो ये देखें, ये इसके चारों जानिब ये वेल्ड हुए हुए हैं, और मैं दिखाता हूँ, तो ये देखें इसके चारों जानिब ये लगे हुए हैं। ये इनका मकसद इसलिए होता है कि इनको इजीली मूव करवाना चाहते हैं ना, तो आप ये ना इनके नीचे टायर फिक्स करवा सकते हैं और आप इनको इजीली मूव कर सकते हैं।
तो टायर फिक्स करवाने के बाद उसका मकसद इसलिए कि अगर आपने ये केज रखना है अपने मतलब बर्ड के लिए जो आपने घर में रखे हैं टेम वगैरह करने के लिए ना, और ये मूव करना इजी नहीं होता क्योंकि ये हैवी होता है, ये सिंगल पर्सन इसको मूव नहीं कर सकता, इस वजह से ना ये नीचे इसके टायर लगवा के अगर आपने ये केज लिविंग रूम में रखना है ना तो आप इजीली रख सकते हैं। इसके अलावा ये दाना पानी के लिए हैं, ये बर्तन अंदर लगाने के लिए ये देखे जैसे ये लगा हुआ है, तो हर तरह से माशाल्लाह फिट है। तो केजेज मैंने आपको दिखा दिया हैं, इनके सारी डिमेंशन हैं, जो लेंथ है वो मैंने तकरीबन 4.3 फीट है और आगे से पीछे की जानब 2.3 फीट और ऊपर से नीचे की जानब जो हाइट है ना इनकी वो भी तकरीबन 2.3। ये केज बेस्ट है अगर आपने रिंग नेक 1x1 लगाना है ना इसके एक पोर्शन में, दो पोर्शन है टोटल और इनमें दो पेयर लग सकते हैं। ज़्यादातर आपको ये केज ना खुद बनवाना पड़ते हैं, तो खुद बनवाते हुए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये जो आपको तारें नज़र आ रही हैं ना लोहे की, ये तार ना अच्छी क्वालिटी की लगवानी है, तो तार इसकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ख़राब हो जाए या मुड़ जाए अगर उस पर बर्ड जो है फोर्स अप्लाई करे। और दूसरा ये कि तार को जंग ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मौसमी असरात, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात के मौसम में हवा में नमी होती है और केज को जंग लगना शुरू हो जाता है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल भी, क्योंकि ये केजेज रोज़ रोज़ नहीं बनते, एक बार ये अच्छी चीज़ बनी हो तो ये लाइफ टाइम भी चली जाती है, तो ये चीज़ों को इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। जब बर्ड इस पर जो राह है, जब राह अग्रेशन में आता है या वैसे ही जाली के साथ अगर वो लटक रहा हो ना, तो वो इसकी तारों को ना पूंछ में लेके उसको दबाना शुरू कर देता है, तो दबाने से ना वो तारें टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मटेरियल अच्छे की तार हो ना तो वो टेढ़ी नहीं। दूसरा ये जो इसका जॉइंट है ना ऊपर से, जॉइंट फिक्स होना चाहिए, बहुत अच्छे तरह जॉइंट लगा होना चाहिए, क्योंकि एक बार ये कई बार ऐसा भी होता है कि जॉइंट टूटना शुरू हो जाते हैं, तो जॉइंट भी टूटने वाला ना हो। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने राह रखा है या रिंग नेक रखा है तो वो तो गुजारा कर जाते हैं, लेकिन अगर जैसे आपको बड़ा बर्ड रखना पड़ रहा है, ग्रे पैरट की तरफ आप जाते हैं या उससे आगे की जानब जाते हैं, तो आप वो बर्ड भी इनमें ना इजीली रख सकते हैं, क्योंकि टेम बर्ड होता है, अगर सपोज़ आपने टेम भी रखना है ना टेम करने के लिए, तो ये है कि वो कम करेगा इसको बाइट वगैरह, लेकिन ये है कि तोड़ नहीं सकेगा इस तरह की तार को ना, तो मजबूती वाली तार होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ती हैं। तो अब रही बात इनकी प्राइस की केजेज की, तो ये एक केज तकरीबन 9,000 का है। डिमेंशन सारी मैंने आपको बता दी है, ये डिमेंशन के हिसाब से इसमें चेंजिंग आती रहती है, लेंथ आपने ज़्यादा करवानी है या हाइट वगैरह, तो जैसे जैसे आपने इन चीज़ों में चेंजिंग लानी है ना तो प्राइस में चेंजिंग आती रहती है। तो ये इतनी डिमेंशन का जो मैंने आपको बताया तकरीबन एक केज 9,000 का है और 3 केजेज ये टोटल 26,000 के हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग जो भी मेरी वीडियोस आ रही हैं उनमें एक तो इनमें स्टिक्स का सेटअप मैंने करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, स्टिक्स के सेटअप के अलावा जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में जो अभी आपको ऊपर स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकी एक फ़ाइनल लोकेशन सेट करनी है जहाँ पर इनसे ब्रीड लेनी है बर्ड से, अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।